नमस्कार नानस, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से बोल रही हूँ, जो आपके लिए आज बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 4 लेके आई हूँ। आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमर्स क्या होता है? द कंपाउंड विच हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन किस डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। और ये जो आइसोमेरेज कोऑर्डिनेट कंपाउंड में होते हैं तो हम इसे कहते हैं आइसोमेरेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस तरह के प्रोसेस को क्या होता है? इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आइसोमेरेज। तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आप जगह जानना चाहते हैं तो मैंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड की पूरी एक बड़ी सीरीज बनाई है, उसको आप देखिएगा कि कैसे हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नाम लिखते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को फॉलो करने के कौन सा रूल को फॉलो करते हैं। बट अब जब मैं स्टार्टिंग मैंने दिखाई है आइसोमर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक बार हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका जो मटेरियल होता है, जैसे कि आपने लिखा, सपोज आपने लिखा CrH2O का होल 4 CO2, तो दैट कंपाउंड इज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये कंपाउंड कौन सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है जिसमें हम इसको क्या कहते हैं, सेंटर मेटल कहते हैं, इतने वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ मटेरियल लिखा है तो दिस इज द आयनाइजेशन, ये क्या कहलाते हैं, आयनिक स्पेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दिस आर दीज आर द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें क्या है, आइसोमेरेज ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड पार्ट 4 में हम क्या देखेंगे। हमने इससे पहले जो आइसोमेरेज बताई है उसी उसके बेसिस पे हम आज जो आपको एक्सप्लेन करेंगे वो है हाइड्रेट आइसोमेरेज। कौन सा आइसोमेरेज? हाइड्रेट। हाइड्रेट नाम सुनते जरा वाटर, हाइड्रेट का मतलब वाटर से रिलेटेशन होता है। हाइड्रेट आइसोमेरेज जो ओरिजिनेटेड होती है, जिसकी स्टार्टिंग जो होती है वो किसके रिस्पेक्ट में होती है? वाटर। मतलब पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि हाइड्रेट आइसोमेरेज होने के लिए फॉर्मूले में वाटर का होना, यानी कि H2O का फॉर्मूले में होना बहुत कंपलसरी है, तभी आइसोमेरेज डेवलप होगी। अगर H2 नहीं होगा तो ये आइसोमेरेज नहीं होगी। अगर H2 नहीं होगा तो वो दूसरी कौन सी आइसोमेरेज होगी, आपको बताती हूँ। देखिए, इन हाइड्रेट आइसोमेरेज देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयन प्रेजेंट इन द आयनाइजेशन स्फीयर। कंपोजिशन ऑफ द हाइड्रेट आइसोमर्स इज द सेम बट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, हाइड्रेट आइसोमेरेज में जो एक्सचेंज होता है वो किसका होता है? इन दिस आइसोमेरेज एक्सचेंज बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयंस रिप्रेजेंट। क्या वाटर मॉलिक्यूल्स का किसके साथ एक्सचेंज होता है? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आयन है उनके साथ एक्सचेंज होता है। क्या मतलब, जैसे जैसे कि आपके साथ CrH2O का होल 4 Cl2, ठीक है, ये आपका कोई फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपका ये आपका ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिख रखा है ये Cl, अब आपका कोई ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इस फॉर्मूले में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज बाहर वाले लिगेंड के साथ या बाहर वाले आयनिक स्फीयर के साथ अगर हो रहा है, ये वाला अंदर आ रहा है ये बाहर जा रहा है, तो इस तरह की आइसोमेरेज जो डेवलप होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रेट आइसोमेरेज। अगर यहाँ पर वाटर नहीं होता, या ब्रैकेट के बाहर वाटर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ब्रैकेट के अंदर ही वाटर हो, ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है। अगर इस फॉर्मूले में वाटर नहीं होता, वाटर मत कहने का मतलब वाटर की पोजिशन पर हमारा यहाँ पर हो जाता है आपका Br का होल 4 और Cl2 और बाहर आपका कोई दूसरा लिगेंड आपका लिखा है आपका F लिखा है और फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ एक्सचेंज कर रहा है, तो ये हाइड्रेट आइसोमेरेज नहीं होगी। हाइड्रेट आइसोमेरेज होने के लिए फॉर्मूले में वाटर का होना कंपलसरी है। तो ये बोला मैंने, देखा हाइड्रेट आइसोमर इज द सेम बट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज डिफरेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स शुड बी चेंज, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके, चेंज होंगे। ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या Cr3H6O हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हैज द फॉलोइंग 3 हाइड्रेट आइसोमर्स, जिसके 3 पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं। हम मान के चलेंगे इसके 3 पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से 3 आइसोमर्स हो सकते हैं। हमारा फॉर्मूला Cr Cl3 6H2, Cr Cl3 6H2 क्रोमियम सेंटर मेटल है, दिस इज द क्रोमियम सेंटर मेटल, यहाँ पर क्रोमियम सेंटर मेटल है, जो आपका 3 पॉसिबिलिटी शो कर सकता है, जिसमें कि Cr H2 का होल 6 Cl3 Cl3 क्या गया ब्रैकेट के बाहर, ठीक
ठीक हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी इसका आइसोमर्स बनाने के लिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है कि एक्सचेंज द वाटर मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू अदर आयन का, तो वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होगा अदर आयन के साथ। तो हमने इसका एक्सचेंज कराया, ये देखिए यहां से H2O बाहर चले गया, एक H2O बाहर गया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लिगेंड ब्रैकेट के अंदर कितने लिगेंड थे, 6 थे। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल चले गया तो कितने रह गए, 5। लिगेंड की पोजीशन एज इट इज होनी चाहिए, यही मैंने स्टेटमेंट बोला कि लिगेंड उतने ही रहेंगे लेकिन उनकी पोजीशन एक्सचेंज होगी। तो लिगेंड अभी 6 था, कितने हो गए, 5, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक सीआर क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो कहने का होता है सीआर H2O का होल 5 और एक सीआर अंदर आ गया, सीआर2 ऐसे ही रहा और एक H2O आ गया बाहर। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी कहने का मतलब है और भी ऐसा नहीं है कि एक ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, और भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं। अगर हमने सपोज 2 वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज करें, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर को ट्रांसफर करें, तो कितने थे सीएल के, सीएल के 3 थे, अब कितने रह गए थे 2। अब हमने फिर हमने जब 2 वाटर मॉलिक्यूल अंदर एक्सचेंज करे तो अंदर कितने रह गए, 4। उसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 सीएल को अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, हमने 2 सीएल अंदर ट्रांसफर किया और एक सीएल यहाँ पर रह गया। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद भी अगर पॉसिबल है ही नहीं है कि वाटर एक्सचेंज, इसके बाद अगर वाटर को एक्सचेंज करते हैं तो हमारे पास सीएल अवेलेबल नहीं है एक्सचेंज कराने के लिए, क्योंकि उसके बाद अगर हमने चार के बाद हमने इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के अलावा हमने 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ट्रांसफर कर दिए तो हमारे 3 के 3 सीएल अंदर आ जाएंगे, हमारे पास एक्सचेंज कंडीशन नहीं रह पाएगी। तो हमारे पास इस फॉर्मूले के सीआर सीएल 3 6 H2 के कितने पॉसिबल आइसोमर्स बने, 3 आइसोमर्स बने, फर्स्ट आइसोमर्स ये बना, सेकंड आइसोमर्स बना, थर्ड आइसोमर्स ये बने with respect to water molecules to exchange the ligand with respect to water molecules, ligand की position exchange हुई किसके respect में, water के molecules के। ठीक, तो isomers का मतलब क्या होता है, compound having a same molecular formula but different structure, तो molecular formula तो same है, देखो CR CL6 CR CL3 6H2 6 water के molecules और 3 CL के molecules, formula तो same है लेकिन 3 possibilities देंगे और तीनों possibilities तीनों अलग अलग properties को explain करती है। देखिए कैसे, देखिए first वाले का अगर हम देखें तो first of all first property को देखते हैं naming, अगर तीनों के नेम भी दिखे तो तीनों के नेम डिफरेंट है, कैसे देखिए, इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा, ये हो गया हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम ये हो गया क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक, दूसरे वाले का नाम हो गया पेंटा पेंटा एक्वा, ये हो गया पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्लोरिडो, फिर हो गया क्रोमियम क्रोमियम 3 क्लोराइड क्लोराइड और वाटर को ब्रैकेट के बाहर कर दिया मोनोहाइड्रेट, इसका नाम क्या होगा मोनोहाइड्रेट। तीसरा वाले का नाम हो गया टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है, और डाइहाइड्रेट वाटर का मॉलिक्यूल से डाइहाइड्रेट। ठीक, तो तीनों का सबसे पहली बात तीनों के नेम ही डिफरेंट हो गए, फॉर्मूला एक ही था, कंपाउंड हैविंग सेम और फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज को देखा अगर हम देखते हैं तो पहला वाला जो आइसोमर्स है विद इन द प्रेजेंट ऑफ 3 सीएल माइनस आयन, 3 सीएल माइनस आयन के कारण इसका कलर क्या होता है, इन एन एक्वस मीडियम जब ये रिएक्शन करता है क्योंकि इसमें 3 सीएल माइनस आयन फ्री है, ब्रैकेट के बाहर जो आयन है वो क्या है फ्री है, तो 3 सीएल माइनस आयन के कारण इसकी प्रॉपर्टी इसमें ये कौन सा कलर देता है, वॉयलेट कलर इंडिकेट करता है। ठीक, सेकंड वाले में फ्री कितने हैं आपका 2 सीएल माइनस आयन, आयन की बात करिए ये 2 सीएल माइनस आयन के रिस्पेक्ट में इसका कलर क्या आता है, ब्लू ग्रीन कलर शो होता है। थर्ड वाले में 1 सीएल माइनस आयन होगा तो इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो मेरा कहने का यह है कि हाइड्रेट आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू वाटर मॉलिक्यूल, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है तीनों में। पहला आयन में 6 लिगेंड थे सेंटरमेटिक से सराउंडेड वाटर के, दूसरा में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स सेंटरमेटिक के सराउंडेड, और तीसरा में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग में आपके लिगेंड प्रेजेंट है, और तीनों में आयन की पोजीशन भी डिफरेंट है। पहले वाले में 3 सीएल माइनस आयन के कारण उसका कलर वायलेट हो जा रहा है, दूसरे वाले में 2 सीएल माइनस आयन के कारण उसका कलर ब्लू ग्रीन हो जा रहा है, तीसरे वाले में 1 सीएल के कारण उसका कलर क्या हो जा रहा है, ग्रीन कलर है। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन की प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। देखिए यही चीज मैंने एक्सप्लेन करिए, दीज आइसोमर्स हैव अ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द रिएक्शन विद AgNO3। AgNO3 के साथ हम जो ट्रीट करते हैं दे प्रोड्यूस 3-1 मोल ऑफ AgCl सजेस्टेड 3-1 और 1 क्लोराइड आयन। यही मैंने बोला कि अगर हम इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो इसमें 3 सीएल 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है एक्वस मीडियम में, इसमें 2 सीएल मॉलिक्यूल्स है एक्वस मीडियम में और सॉल्वेंट में 1 सीएल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो तीनों के कलर क्या होंगे, अलग अलग आते हैं और तीनों आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं जो कि हाइड्रेट आइसोमर्स की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। तो ये था आपका आज का पार्ट 4 हाइड्रेट आइसोमर्स जो एक्सप्लेन करता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड की। ये थी आपकी पार्ट, ये आपके पार्ट 4 में एक्सप्लेन करा कि किस तरह से हाइड्रेट आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बस एक चीज याद रखना, हाइड्रेट आइसोमर्स और आयनाइजेशन आइसोमर्स में यही डिफरेंट होता है कि हाइड्रेट आइसोमर्स में वाटर मॉलिक्यूल्स ही एक्सचेंज होता है ब्रैकेट के बाहर और अंदर, लेकिन आयनाइजेशन आइसोमर्स में आयंस यानी कि
कोई भी आयन होगा लेकिन वाटर नहीं होगा, तो इस तरह के आइसोमर्स कहलाते हैं आपके आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 4 जो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से हम हाइड्रेट आइसोमर्स को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।